हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पत्रातु ब्लॉग वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहला एलसीएम सीखेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे एचसीएफ पर। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। तो एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। जैसे पहला हम लोग गुणनखंड विधि से सीखने का प्रयास करेंगे। पहला है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसा विधि जो सर्वप्रथम दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करे, फिर इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घातांकों वाली संख्या का प्राप्त गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्तक है। तो उदाहरण से पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, उदाहरण पहला लेते हैं 16, 32 और 48, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा एलसीएम? पहला है 16, 32 और 48। 16 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 कितना बार लिखा जाए जो 16 हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, यानी 2 का पावर 4 बार। 2 4 बार लिखेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आप 32 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, यानी 2 5 बार लिखेंगे तब यह 32 पूरा हो जाएगा। तो 2 का पावर 5 बार। अब 48 को हमको गुणनखंड करना है, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16 और 16 तिया 48, यानी 2 कितने बार आया? 1 2 3 4, 2 4 बार, 3 1 बार। 2 का पावर 4 × 3 का पावर 1। तो हमने क्या कहा था? अभाज्य गुणनखंड सर्वप्रथम दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, व्यक्त कर लिए हैं। फिर इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घातांकों वाली संख्याओं का प्राप्त गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्त होगी। तो यहाँ सब 2 का पावर किस में सबसे अधिक है? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 4 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा 2 का पावर 5 यहाँ है, तो लिख लिए। उसके बाद 3 का देखेंगे, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 का पावर 1 है। तो 2 का पावर 5 × 3 का पावर 1, तो 2 का पावर 5 कितना होता है देखेंगे। चलिए यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, यानी 2 का पावर 5 32 × 3। दोनों को आपस में गुणा करने पर 96 आता है। तो 96 वह संख्या है जो ये तीनों संख्या ये संख्या को काट देगी। चलिए एलसीएम का अब हम लोग देखते हैं भाग विधि से। भाग विधि से देखते हैं 3, 6 और 8 का एलसीएम निकाले, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इधर भी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब वो संख्या को हम लोग लिखेंगे यहाँ 3, 6 और 8। सबसे पहले भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा संख्या से भाग जाए जो सारा संख्या कट जाए। जरूरी नहीं कि ये तीनों संख्या कटे, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो सबसे छोटी, ध्यान रहे, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देना है, तभी
बड़े संख्या से भाग देना। तो सबसे पहले इसमें से दो संख्या दो से भाग देंगे, ये नहीं कट रहा है तो जो है वही लिख देंगे यहाँ। तीन दो तीन छः, दो चौके आठ, ठीक है। अब आप देखना है कि दो संख्या कट रहा है कि नहीं, दो से, दो से दो संख्या नहीं कट रही है, सिर्फ एक कट रही है। तो पहले और दूसरा देखते हैं, तीन से, तीन से दो संख्या कट रही है, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, जो है चार सेम उतर जाएगा। अब हम क्या बोले थे, कम से कम दो संख्या कटना चाहिए तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये दो संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। तो अब तीनों को हम लोग गुणनखंड करके दो तीन इंटू चार आपस में गुना करेंगे, दो तीन छः, छः चौके चौबीस, चौबीस चौबीस वह संख्या है जो दिए गए संख्या इस चौबीस को पूरी तरह से विभाजित कर दे, मतलब काट दे, ठीक है। आई होप यह वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। चलिए अब हम लोग एचसीएफ की तरफ चलते हैं, एचसीएफ आखिर होता क्या है, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, वह बड़े से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उदाहरण उदाहरण ले लेते हैं, आठ छत्तीस और बहत्तर का, यानी तीन अंकों का हम लोग महत्तम समापवर्तक देखेंगे कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये दो लाइन खींच लेंगे। अब इसमें से देखना है, सबसे पहले दो अंकों का भाग करेंगे, ठीक है। इसमें से देखना है बड़ा कौन है, छत्तीस बड़ा है आठ से, तो छत्तीस को अंदर लेना है, ठीक है, और आठ को बाहर। अब छत्तीस को आठ से भाग देना है, अब ऐसा भाग देना है जो इससे बड़ा ना हो लेकिन इससे छोटा, या फिर पूरी पूरी कट जाए। तो आठ चौके बत्तीस, आठ चौके बत्तीस, छः में दो गया चार, तीन तीन कट गया, ठीक है। अब ये आठ जो है अब यहाँ आएगा आठ, ठीक है, चार दुनी आठ, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये अब ये संख्या जो है, अब ये बचे हुए संख्या को काट के देखते हैं कटता है कि नहीं, बहत्तर, ठीक है, चार अठारह चौक बहत्तर, ये पूरी पूरी कट गया। तो अब हमको हम लोग कह सकते हैं कि ये चार ये तीनों संख्या को काट देगा, तो चार एचसीएफ होगा। आई होप आप लोग इस वीडियो से बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो पसंद लगा हो। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हम बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। धन्यवाद।